राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें बर्फूले या गुलेली में क्या क्या ज़रूर बनाना चाहिए। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि किस तरह से हमें ये बर्फूले या गुलेली बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह से मैंने ये बनाए हैं। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स हमें क्या बनाना है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें बनाना है नारियल। नारियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ में यूज़ होता है। तो देखिए, उसके बाद मैंने बनाया है एक ढाल। ढाल के साथ फ्रेंड्स तलवार आपको ज़रूर बनानी है। अगर आप ढाल बना रहे हैं तो तलवार भी ज़रूर बनानी है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने बनाया है सूरज। सूरज और चंदा काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स पूजा पाठ में इनका पूजन होता है, तो हमें इनको ज़रूर बनाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने सूरज और चंदा को बनाया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने किस तरह से बनाया है इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेकअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने बनाया है एक पान। पान फ्रेंड्स पूजा पाठ में यूज़ होता है, इसलिए हमने पान को भी ज़रूर बनाना है। तो आप पान को इस तरह की शेप में करके आप 6 इंच की इस तरह की पत्तियां बना सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने बनाई है पूरी रोटी। पूरी रोटी और एक बनती है फ्रेंड्स आधी रोटी। तो इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है होली पूजन में, तो हम इन्हें ये ज़रूर बनानी है। तो इस तरह से आप इनको बना लीजिए। इसमें कोई भी डिज़ाइन हमें नहीं बनाना है, तो आप इसको ऐसे ही हाथों की मदद से बना लीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने बनाई है ये आधी रोटी। देखिए इस तरह से आपको ये आधी रोटी बनानी है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने क्या बनाया है देखिए, उसके बाद हमने बनाई है ये 5 तरह की ढाल। तो ये 5 ढाल फ्रेंड्स हमें बनानी है और ये ज़रूर बनानी चाहिए हमें 5 ढाल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि हमें कितनी चीज़ें इसमें बनानी है या कितनी गिनती हमें इसमें रखनी चाहिए। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने बनाई है माता की चौकी। चौकी को देखिए इस तरह से मैंने बनाया है, तो आप इस तरह से चौकी को बना सकते हैं। बनाने की जैसे कि मैंने पहले बताया कि वीडियो मैंने शेयर किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बनाया है एक पटा। मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो इसमें बनाई जाती हैं या जो मेन चीज़ें होती हैं, ये जो ज़रूर से बनाई जाती हैं। उसके बाद देखिए, मैंने एक बनाई है चक्की। चक्की देखिए इस तरह से, चक्की चरखा ये सभी चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। घर से रिलेटेड खेल खिलौने, बच्चों के खेल खिलौने, मिठाइयाँ या इस तरह के सामान को हम इस तरह से बना सकते हैं गोबर की मदद से। गोबर आपको गाय का ही लेना है, अगर पॉसिबल हो तो आप गाय का ही लीजिए। गाय का गोबर काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है जब ये पूजा पाठ के कामों में यूज़ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने बनाई है एक चरखा। तो चरखा आप इस तरह की शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए ये मैंने बनाई है, देखिए जिसमें चरखे में जो सूत होता है उसको लगाया जाता है चरखी, उसमें ये देखिए इस तरह की मैंने एक सीख डाल करके ये बनाई है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने बनाया है एक चक्र। फ्रेंड्स ये श्री हरि विष्णु और माता का प्रतीक होता है, तो मैंने ये चक्र बनाया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने बनाया है एक सुपारी बनाई है हमने। इस तरह की गोल शेप दे करके आप उसमें छेद कर दीजिए, आपकी सुपारी बन करके तैयार हो जाएगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या बनाया है आगे दिखाती हूँ मैं आपको। उसके बाद देखिए, हमने बनाया है होला और होलिका। होला और होलिका का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है होली पूजन में, तो हमें ये ज़रूर से बनानी है। याद से आपको ये दोनों चीज़ें ज़रूर बनानी है। आप चाहें तो बाकी की चीज़ भूल जाइए या नहीं बनाएं तो चलेगा, लेकिन आपको ये दोनों ज़रूर बनानी है क्योंकि ये होली पूजन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप एक होला और एक होलिका इस तरह से आप गुड़िया 2 टाइप की बना सकते हैं। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या बनाया है उसके बाद देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। उसके बाद हमने बनाया है एक स्टार और खेल खिलौने। देखिए खेल खिलौने में मैंने ये देखिए झुनझुने, बच्चों के बैट बॉल या इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। उसके बाद देखिए, हमने बनाया एक स्टार यानी कि तारा। हमने सूरज चंदा बनाया है, तो तारा को भी हमें ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि ये भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या बनाया है। उसके बाद देखिए, 2-3 तरह की मैंने इस तरह की मिठाइयाँ बनाई हैं। गोल बनाई है, चकोर बनाई है या इस तरह की काजू कतली की शेप आप दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने बनाया है इसमें एक सिलबट्टा। सिलबट्टा काफ़ी ज़्यादा देखिए आप, मैंने पहले बताया कि आप इसमें कोई भी सामान घर से रिलेटेड बना सकते हैं, खेल खिलौने, मिठाइयाँ या इस तरह की चीज़ें हमें इसमें ज़रूर बनानी चाहिए। तो देखिए, मैंने सिलबट्टा बनाया है।
उसके बाद देखिए खड़ाऊ हमने बनाए हैं। तो फ्रेंड्स खड़ाऊ कहते हैं कि पूरे घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, तो आप अगर चाहें तो जोड़े से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह की खड़ाऊ हमें ज़रूर बनानी है, तो इस तरह की आप चीज़ें इसमें ज़रूर बनाएं। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमने तीन तरह की या चार तरह की ब्रोकली हम बना सकते हैं। कौन कौन सी ब्रोकली बना सकते हैं देखिए मैं आपको दिखाऊंगी अब इसमें कि हमने क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी किस तरह से बनानी है। देखिए इस तरह की, देखिए तीन तरह की ब्रोकली हम बना सकते हैं, एक तो मुट्ठी हो गई, एक गोल शेप हो गई और एक छाप हो गई। तो देखिए दो तीन तरह की ब्रोकली, देखिए ये है मुट्ठी की, मुट्ठी मैंने बीच करके आप इसमें छेद कर दीजिए, आपकी मुट्ठी की ब्रोकली बन करके तैयार हो जाएगी। और उसके बाद देखिए आप गोल शेप दे करके देखिए इस तरह के छेद कर दीजिए तो आपकी गोल बड़कुली हो जाएगी। और उसके बाद देखिए गोबर को हाथों में लेकर के फिंगर की मदद से आप करेंगे तो ये छाप वाली आपकी बुरेली बन करके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बुरेली, बड़कुली या बुरकले कई तरह की चीज़ें लोग अलग अलग जगहों पर कही जाती हैं या इनको कई नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स हमें इनको कितना बनाना चाहिए, आपको इन्हें 11, 21 या 51 इन चीज़ों में आपको ज़रूर बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये शुभ गिनतियाँ हैं जो हमें ज़रूर बनानी चाहिए इन गिनतियों में। तो आप चाहें तो 21 बना लीजिए, 51 बना लीजिए, या फिर अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप 11 भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मिलते हैं कि मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।